दोस्तों टीम इंडिया हो गया है T20 वर्ल्ड कप के रेस से बाहर। या दोस्तों सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ टीम इंडिया हार चुके हैं 10 विकेट में। जी हाँ दोस्तों, घुटने टेक दिए हैं इंग्लैंड के सामने। पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड का मुकाबला होगा फिनाले में। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के हार के रीजन क्या है? दोस्तों मैं आज आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जो कि टीम इंडिया की हार का कारण है। और दोस्तों कुछ ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा जो कि कोई नहीं बताने वाला है आपको। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। दोस्तों पहला कारण है ओवर कॉन्फिडेंट। जी हाँ दोस्तों, आज ये जो मैच हुआ था इंडिया और इंग्लैंड में, ये मैच के शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट जो बता रहा था और मैदान की कंडीशन जो ये था, ये सभी लोगों का ही पता था कि टॉस जीतकर जो पहले गेंदबाजी करेगा उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। और ये बैटिंग पिच है, रन बहुत जरूरी है इस पिच में बनना। लेकिन दोस्तों टॉस में हारने के बाद रोहित शर्मा कहते हैं हम लोग तो बैटिंग लेते। दोस्तों ये सबको ही पता चल रहा है, टीम इंडिया को ही पता है कि यहाँ पर फील्डिंग लेना चाहिए, टीम इंडिया भी ये लेता, लेकिन बोलने का क्या जरूरत है? ये है ओवर कॉन्फिडेंट। और इसी के चक्कर में आज टीम इंडिया का बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड आप देख सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात है केएल राहुल ज्यादातर मैच में फ्लॉप जाते हैं, और जिस मैच में हिट रहा वो तो कमजोर टीम के साथ हिट था। और केएल राहुल का जो ये डाउन टाइम चल रहा है उनको सपोर्ट करते हुए उनको बैटिंग दिया जा रहा है और बैटिंग में वो लगातार फेल कर रहे हैं। इसके बाद है रोहित शर्मा। दोस्तों आज रोहित शर्मा का बैटिंग जो था बहुत ही स्लो था। जी हाँ दोस्तों, 28 गेंदों में 27 रन बनाए थे बॉल से कम रन। इतना स्लो रन अगर कोई बनाएगा ओपनर तो कैसा चलेगा? केएल राहुल और रोहित शर्मा ने मिलकर 65% डॉट बॉल खेले हैं अपने पारी के। इसके बाद है स्लो बैटिंग इन पावर प्ले। दोस्तों पावर प्ले में जहां पर मार के खेलना चाहिए था, पिच भी ऐसा था, लेकिन सभी बैट्समैन धीरे धीरे खेलते रहे। और इसके बाद है विराट कोहली जो अपना 50 रन बनाए हैं वहां के लिए लिए है 40 गेंदे। विराट कोहली नॉर्मली ऐसा नहीं करते, 30 गेंदे के बाद विराट कोहली का 250 की लगभग होता है रन बनाने के अवसर, लेकिन वो भी आज धीमी पड़ गए। तो मुद्दे बात है, इंडिया इतना धीमा खेलेगा तो लास्ट में हार्दिक पांड्या आकर अकेला क्या खेलने वाला है? और वहां पर भी हार्दिक पांड्या के जगह पर ऋषभ पंत को आना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन था और ये कॉम्बिनेशन इंग्लैंड की बॉलर की छक्के छुड़ा देता, और वो भी नहीं किया गया। और उसके बाद टीम सिलेक्शन, टीम में कोई लेफ्ट हैंडर को रखा ही नहीं गया जो कि पहले 5 में आए और आकर खेल सके। इस बात आते हैं विकेट कीपर को लेकर यहाँ पर टेबल टेनिस का मैच हो रहा था। कभी कभार दिनेश कार्तिक को दे दो, कभी कभार ऋषभ पंत को दे दो। अरे भाई, आप इन दोनों को ले आए हो, मतलब दोनों ही अच्छे हुए, तो आप एक के साथ स्टिक रहो। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस तो आपको अप डाउन देखने को मिला, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। और इसके बाद युजवेंद्र चहल, जो कि इंडिया के लीडिंग विकेट टेकर है, पिछले साल में भुवनेश्वर कुमार के साथ, और उन्हें एक भी मैच खिलाया ही नहीं गया। और सेमीफाइनल में भी वैसा ही हुआ, कोई वेरिएशन नहीं अक्षर पटेल से। अक्षर पटेल को तो ऐसे कुटा के क्या बताए। इसके साथ साथ जिस दिन खराब होता है उस दिन फील्डिंग भी बहुत खराब होता है। जी हाँ दोस्तों, आज फील्डिंग में भी बहुत खराबी दिखे, कैच मिस, फोर मिस, फील्डिंग सेटिंग भी बहुत खराब था। यहाँ तक कि जहाँ पर डायरेक्ट थ्रो किया जाता था, शमी ने वो बॉल जाकर भुवनेश्वर कुमार को कैच दिया, भाई तुम फेंको, और वो वहां पर 2 रन एक्स्ट्रा दे बैठे। इसके बाद हो गया सब लोग ओवर डिफेंसिव, सब लोग रन बचाने की कोशिश कर रहा था और विकेट लेने का कोई भी कोशिश ही नहीं किया। प्लान बी प्लान सी तो छोड़िए, प्लान ए ही शायद उन लोगों के पास नहीं था। तो इन सब कारणों की वजह से टीम इंडिया को आज हारना हुआ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मेन रीजन क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपको कमेंट का।